ममता की पुलिस ने ईडी के खिलाफ ही दर्ज कर ली एफआईआर। छापेमारी के दौरान दो दो जगहों पर ईडी अधिकारियों पर हुआ जानलेवा हमला, आपराधिक अतिक्रमण और एक महिला को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली इलाके में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में पुलिस की भूमिका कटघरे में है। पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ ही एक एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में जांच एजेंसी के अधिकारियों पर आपराधिक अतिक्रमण और एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। दो अन्य प्राथमिकियां भी दर्ज की गई हैं, लेकिन उनमें हमलावरों के किंगपिंग का नाम नहीं है। वे प्राथमिकियां अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को रेड मारने गए जांच एजेंसी के अधिकारियों पर टीएमसी नेता के इशारे पर उनके समर्थकों ने जानलेवा हमला किया था। ईडी की टीम राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में टीएमसी के जिला परिषद सदस्य शाहजहां शेख के घर की तलाशी लेने गई थी। वहां शाहजहां के इशारे पर उनके समर्थकों ने ईडी टीम पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक एफआईआर शेख के घर के केयरटेकर द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। दूसरी एफआईआर शुक्रवार को ईडी की शिकायत के आधार पर और तीसरी स्वतः संज्ञान से दर्ज की गई थी। एक सूत्र ने कहा है कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ईडी के अधिकारियों ने बिना कोई तलाशी वारंट दिखाए और कानून का उल्लंघन करते हुए टीएमसी नेता के आवास में जबरन घुसने का प्रयास किया था।